पूरनपुर में प्रांतीय व्यापार उद्योग व्यापार मंडल के विजयपाल बिक्की ने मंडी समिति में सीएमओ का पुतला दहन के आरोप लगाते हुए बताया कि पूर्व में कुछ दिन पहले ही एक गर्भवती महिला ने जिला अस्पताल के बाहर ही स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को जन्म दिया था, जिसमें स्टाफ की लापरवाही उजागर हुई थी। व्यापार मंडल के विजयपाल बिक्की ने सीएमओ का पुतला दहन किया और अपना विरोध जताया। साथ ही उन्होंने कहा, कोरोना काल से ही आदमी टूटा हुआ है, उसके ऊपर से इलाज के अभाव में शिशु की मौत होना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें कहीं ना कहीं अस्पताल स्टाफ को जिम्मेदार बताया है। मैं विजयपाल बिक्की, प्रांतीय मंत्री उद्योग व्यापार मंडल। बिक्की, आज ये पुतला फूका, किसका फूका और क्यों फूका? ये पुतला सीएमओ डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत, उनकी नालायकियां, उनका भ्रष्टाचार इतना पनप गया है जिले में कि पूरा चरम सीमा पे है। वो किसी का भी कोई आदेश, कोई किसी बात को मानने को तैयार नहीं रहते हैं। अभी पिछले परसों एक महिला जिला अस्पताल पहुंची, अपने उसके गर्भवती थी, उसके बच्चे को जन्म होना था, वहां जिला अस्पताल में किसी ने उसको नहीं देखा, वो तड़पती रही। तड़पने के कारण वो बेचारी रोड पे ही उसने बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा भी उसका मर गया। अगर ये जिला अस्पताल वाले को के ऊपर सीएमओ का नियंत्रण होता तो वो महिला की, मैं कहता ठीक है, अस्पताल में उसको भर्ती कर लेते, उसके बाद उसकी किस्मत रहती, उसका बच्चा बचता ना बचता। मगर आप देखिए, क्या गरीब को जीने का अधिकार नहीं है? और जिला अस्पताल में गरीब ही आदमी पहुंचता है, बड़ा आदमी तो अपना करा लेता है। अब वो बेचारी महिला गरीब थी, उसके पास पैसे नहीं थे, अगर उसमें पैसे होते तो वहाँ स्टाफ को पैसे दे देती तो उसका काम हो जाता। इस समय इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि किसी आदमी को ना न्याय मिल रहा है, आदमी वैसे ही कोरोना काल का टूटा हुआ है, उसके बाद इस तरीके की हरकतें हो रही है। अगर इस प्रकार गरीब महिलाओं या गरीब महिला का किसी के भी साथ ऐसा कुछ कांड होता है तो व्यापारी, व्यापार मंडल, हमारा मंडी आरती संघ हमेशा इस विरोध की लड़ाई को लड़ते रहेगा और लड़ा है और लड़ेंगे।